चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब को 15 मुख्यमंत्री के बाद पहली बार दलित मुख्यमंत्री मिला। लेकिन पंजाब का कैप्टन बदलने पर भी कांग्रेस में कलह थमती नजर नहीं आ रही। सीएम पद के करीब तक पहुंचकर कुर्सी खिसकने से नाराज सुनील जाखड़ ने अब आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हरीश रावत का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अगुवाई में अगला चुनाव लड़ने का बयान नए मुख्यमंत्री चन्नी का अपमान है और अगर ये दिखावटी बदलाव है तो इसके कोई मायने नहीं। वहीं नाराज अमरिंदर सिंह आज शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंच पर मौजूद है। कहीं खुशी कहीं गम के बीच चन्नी को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी गई। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हरजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। रंधावा और ओपी सोनी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। जेड़ा बहुत जरूरी है, किसानों का खेतों की बिजली माफ रहे, किसान लोड़ है। लेकिन एक मोटर गरीबा नू पानी पिंड दे लोकां नू पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबा दा पानी माफ होएगा पिंडा दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े है, 20-20 लाख दे, 50-50 लाख दे, सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज दी मीटिंग दे विच। चरणजीत सिंह चन्नी सिख के साथ दलित भी है। राज्य में दलितों की आबादी 32% है, बावजूद इसके अब तक दलित समाज से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। 1966 में सूबे के बंटवारे से पहले पंजाब के 3 मुख्यमंत्री हिंदू मूल के थे। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह को छोड़कर लगभग सभी मुख्यमंत्री जट सिख समुदाय से हुए, जबकि राज्य में जट सिख आबादी लगभग 19% है। वही ओबीसी समुदाय के ज्ञानी जेल सिंह 1972 से 1977 तक पंजाब के सीएम रहे। राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 34 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चन्नी के चयन से मुख्यमंत्री की कुर्सी मालवा क्षेत्र में ही रह गई है। कैप्टन अमरिंदर के बाद चन्नी भी मालवा क्षेत्र से ही है। सूबे की एक तिहाई दलित आबादी मालवा और मांझा यानी अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर और पठानकोट में ही बसती है और खेती किसानी करती है। इसलिए चन्नी ने किसानों के लिए अपना सिर कटा लेने तक का ऐलान कर डाला। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान की फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तो मजदूर नूं खेत च काम मिलता है, किसान की फसल आएगी तो किसानी तो पंजाब खुशहाल होएगा। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बयान देकर उनकी नाराजगी मोल ले ली। चन्नी को 5.5 महीने के लिए ही सही मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आला कमान ने एक तीर से कई निशाने लगाए। चन्नी को नवजोत सिद्धू का करीबी माना जाता है, वही मुख्यमंत्री पद ठुकराने वाली अंबिका सोनी के भी वो करीबी माने जाते हैं। हालांकि 2012 में चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी में शामिल कर चुनाव लड़वाया था और चन्नी विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन सियासत का मिजाज कुछ ऐसा ही होता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने पर नवजोत सिद्धू को चन्नी ने चमकौर साहिब में अपने घर बुलाया था और वो सिद्धू ब्रिगेड में शामिल माने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस आला कमान राज्य की कमान सिख को ही सौंपना चाहता था और सुखजिंदर सिंह रंधावा को सीएम बनाना लगभग तय था। तब सिद्धू ने पूछ लिया कि सिख को ही बनाना है तो मुझमें क्या फर्क। ऐसे में रंधावा का पत्ता कट गया और नरम मिजाज चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना तय हुआ। रंधावा को उप मुख्यमंत्री बनाकर सिख को और ओपी सोनी के जरिए हिंदुओं को साधने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दलित मुख्यमंत्री के वादे को बेअसर कर दिया। वही शिरोमणि अकाली दल का उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा पूरा करने से पहले ही कांग्रेस ने अपना दाव चल दिया। कांग्रेस इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुनाना चाहती तो मायावती इसे दिखावटी बदलाव बता रही है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का
दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है, किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। सुश्री मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारी, तो सुश्री मायावती जी को मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर कहूंगा वो भी घोषणा कर दें कि अकाली दल बादल और बसपा का मुख्यमंत्री दलित होगा। चुनौती है, करिए। लेकिन पंजाब में बदलाव के बावजूद कांग्रेस में फलहार थम नहीं रही। एक तरफ कैप्टन की नाराजगी बरकरार है तो दूसरी तरफ सुनील जाखड़ धक्के से उखड़ गए। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस विधायक दल में आला कमान ने सुनील जाखड़ को ही अपनी पहली पसंद बताया था, लेकिन विधायक उनके नाम पर तैयार नहीं हुए। विधायकों का मूड भाप कर अंबिका सोनी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। जाखड़ को उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उनके साथ 40 विधायक होने की अफवाह भी काम नहीं आई। तब हिंदू नेता के तौर पर ब्रह्मा मोहिंद्रा का नाम सामने आया, लेकिन उन्हें कैप्टन समर्थक होने के कारण तवज्जो नहीं मिल पाई। ऐसे में लॉटरी ओपी सोनी की खुली। ऐसे में किसी जमाने में कांग्रेस के धाकड़ माने जाने वाले किसान नेता बलराम जाखड़ के बेटे सुनील कोप भवन में चले गए। भाई भतीजावाद के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सुनील जाखड़ के भतीजे अजय वीर जाखड़ ने पंजाब किसान आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह सिसवा में अपने फार्म हाउस में भी क्रोधित बैठे हैं और सोच रहे हैं कि सोनिया गांधी के सॉरी अमरिंदर बोल देने से कोई इज्जत शोहरत और सियासी ताकत वापस नहीं लौट पाएगी। ऐसे में वफादारी बरकरार रखते हुए चुपचाप मार्गदर्शन मंडल में शामिल हुआ जाए या फिर कहीं और ठिकाना तलाशा जाए, लेकिन उम्र के इस दौर में राजा पटियाला के लिए बगावत करना सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि राजीव गांधी के साथ बड़े कैप्टन के लिए पार्टी में अब भी मौके कम नहीं है। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज।